नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और दोस्तों यहां पर आप पंजाब नेशनल बैंक खाते से प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन को अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए हम यहां पर पीएनबी वन एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं, जो कि यहां पर पीएनबी बैंक की ही एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों अगर आप पीएनबी वन एप्लीकेशन को यहां पर यूज कर रहे हैं तो उसकी मदद से हम यहां पर देखने वाले हैं कि आप अपने पीएनबी का जो प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन है उसका ऑफर कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है और साथ ही उसे अप्लाई करने के लिए आपको वहां पर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होने वाली है, कितना लोन मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपने यहां पर पीएनबी वन एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रखा है या उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आधार कार्ड की मदद से भी कर सकते हो और बिना एटीएम कार्ड यानी आधार कार्ड की मदद से कर सकते हो और एटीएम कार्ड की मदद से भी कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जल्दी से जाकर आप वहां पर उस वीडियो को देखकर रजिस्ट्रेशन कर लो। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की ओर चलते हैं। वहां पर पीएनबी वन एप्लीकेशन की जो ऐप है ऑफिशियल, इसमें हम देखते हैं कि आप जो पीएनबी की प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन है उसके लिए यहां पर आपको क्या क्या करना होगा। दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वायरमेंट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियोस मिलती रहती है। और मुझे साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बिना किसी तरीके हम बढ़ते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं अपना एम पिन डालकर इसमें लॉग इन हो जाता हूँ, जो कि मेरा 4 डिजिट का एम पिन है, तभी मैं इसमें लॉग इन एक्सेस कर पाऊंगा। तो दोस्तों मैंने अपना इसमें एम पिन डाल दिया है, उसके बाद मैं इसमें लॉग इन एक्सेस कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार की यहाँ पर सारी सर्विसेज पीएनबी वन एप्लीकेशन की मेरे सामने आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर ये पॉपुलर वाला सेक्शन है, आपको दिख रहा है ऑफर वगैरह लिखे हुए हैं, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर, जैसे कि यूपीआई ऑफर, तो इस तरीके के ऑफर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऑफर भी है प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन का। तो दोस्तों आपको प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन का ऑफर कैसे चेक करना है, तो दोस्तों यहाँ पर बस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो 4th नंबर में लास्ट पे है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो एक नई वेबसाइट पे हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि पीएनबी की ही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको इस तरीके का एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर दोस्तों वेलकम टू पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है, काइंडली वेरीफाई योर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको अपना सेविंग अकाउंट नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर आपके पास करंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है, यानी कि आपके पास एक करंट अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप इस लोन का ऑफर आपको मिलेगा, तभी आप ये लोन ले सकते हो। तो दोस्तों इनकी यही एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इसका ऑफर चेक कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना करंट अकाउंट नंबर डालना है, क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट नंबर नहीं है, मेरे पास है सेविंग अकाउंट, ठीक है, बचत खाता है मेरे पास यहाँ पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना करंट अकाउंट नंबर डाल लेना है और उसके बाद जैसे आप अकाउंट नंबर डालोगे तो आपके पास जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपके अकाउंट में, यानी बैंक खाते में पंजाब वाले में, जो भी करंट अकाउंट नंबर में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई करा लोगे तो आपको वहाँ पर आपकी जो बिजनेस लोन की लिमिट है वगैरह है सब कुछ दिख जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ तो आपको इस तरीके से चेक कर लेनी है और वहीं से आपको प्रोसेस भी कर लेना है, ठीक है, प्रोसेस कर लेना है, बेसिक डिटेल वगैरह डाल के अपने जो भी ये चीज़ें मांगता है वो चीज़ें डाल के आपको सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब चीज़ें क्या क्या लेता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इनकी इस लोन को अप्लाई करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है कि बिफोर स्टार्टिंग द प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन, मतलब बिजनेस लोन को स्टार्ट करने से पहले आप इन चीज़ों को चेक कर लो जो नीचे बता रखे, ये आपके पास होने ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पे ये कह रहा है कि एप्लीकेंट शुड बी एन एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट होल्डर ऑफ पीएनबी, यानी कि आपके पास एक पीएनबी का करंट अकाउंट होना जरूरी है, तभी आपको ये लोन मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि एप्लीकेंट शुड हैव बैंकिंग रिलेशनशिप फॉर मिनिमम 24 मंथ्स विद पीएनबी, यानी कि आपके पास जो आपका खाता है करंट अकाउंट वो 2 साल उसको हो जाने चाहिए पीएनबी बैंक के साथ, तभी आप इसको अप्लाई करोगे, यानी 2 साल पुराना खाता वो होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एप्लीकेंट इन इंडिविजुअल प्रोपर्टियरशिप कैपेसिटी कैन ओनली अप्लाई, यानी कि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल और प्रोपर्टियरशिप जो है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक इंडिविजुअल पर्सन आप होने चाहिए, तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों फोर्थ तो यहाँ पर क्या कहता है, जो 4th नंबर का पॉइंट है, एप्लीकेंट शुड बी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर, यानी कि आपके पास एक छोटा या बड़ा बिजनेस होना जरूरी है, यानी छोटा बिजनेस भी चल जाएगा और बड़ा भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक बिजनेस होना चाहिए, छोटा या बड़ा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि एप्लीकेंट्स पैन आधार नंबर एंड लेटेस्ट एड्रेस टू बी अपडेटेड इन द अकाउंट,
यानी कि आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें एड्रेस भी होना चाहिए और वही एड्रेस लेटेस्ट एड्रेस आपका बैंक अकाउंट में भी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके बैंक खाते में भी और UIDAI में भी, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ भी वही मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है जो आपके बैंक खाते में लिंक है, क्योंकि वो वहाँ पर KYC वगैरह होती है। ठीक है, उसकी वजह से ये अकाउंट नंबर में और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर सेम होना ज़रूरी है। तो यानी यहाँ पर ये हो गया। अब दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है कि मैक्सिमम लोन एलिजिबल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म इस, यहाँ पर 10 लाख तक का, ठीक है, 10 लाख तक का लोन आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, 10 लाख तक का लोन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या कहता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी अवेलेबल फॉर अप्लाइंग द लोन। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास होना जरूरी है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कहता है कि लोन शुड बी यूटिलिस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ओनली, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही आपको ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, और किसी पर्पज के लिए ये लोन आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला पॉइंट कह रहा है, एज कितनी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 65 साल होनी चाहिए तभी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इनका लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओनली प्री क्वालिफाइड कस्टमर विल बी एबल टू अप्लाई द लोन, मतलब कि जो प्री क्वालिफाइड कस्टमर होंगे केवल उन्हीं को वही ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। प्री क्वालिफाइड कस्टमर कौन होंगे, जिन्हें ये पहले से ही लोन का ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे पता करोगे कि आपको यहाँ पर प्री क्वालिफाइड कस्टमर हो, मतलब आपको ये लोन का ऑफर मिल रहा है कैसे, तो आपको करंट अकाउंट नंबर डालना है ऊपर। ठीक है, उसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा करंट अकाउंट नंबर में, उस पर एक OTP आएगा। जैसे OTP वेरीफाई करोगे तो वहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, कितनी एलिजिबिलिटी मिल रही है आपको, ठीक है, क्या क्या डिटेल वहाँ पर ले रहा है और कितने का लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा, बस आपको अपना करंट अकाउंट नंबर डाल देना है अगर आपके पास करंट अकाउंट नंबर है तो। ठीक है, सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं डलेगा, करंट अकाउंट नंबर ओनली यहाँ पर डलेगा। तो दोस्तों मैंने सारी डिटेल बता दी है जितनी भी मेरे पास अवेल थी। ठीक है, क्योंकि मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास करंट अकाउंट नंबर नहीं है। आप अपना करंट अकाउंट नंबर डालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस क्या देखने को मिल रहा है, कितने लोन की एलिजिबिलिटी मिल रही है। ठीक है, कितने टाइम के लिए मिल रहा है, सब कुछ आपको ये ऑफर मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, सब कुछ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, जिससे और भी व्यूअर्स की हेल्प मिल सके। दोस्तों जितना भी यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट थी मैंने आपको सब बता दिए कि आप PNB से बिजनेस लोन का ऑफर कैसे मिलेगा आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अगर आपका करंट अकाउंट है तो दोस्तों आपने यहाँ पर PNB One एप्लीकेशन जो है उसमें अपना करंट अकाउंट नंबर डालकर वहां पर चेक कर लिया होगा कि आपको जो PNB का प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन का ऑफर है वो मिला है या नहीं मिला है, और मिला है तो कितने तक का मिला है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ऑफर मिला है, और आपको मैंने बताया दिया कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या कंडीशन होने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।